दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बहुत बड़ा महत्व है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं वही कर्म है। कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से, वही कर्म बंधन वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको परमात्मा से मिला देता है। भावना की चीज है। यही किसान है अगर सिर्फ इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, अगर उसकी भावना ये हो जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है, अन्न पैदा करता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ, यदि इस भावना से काम करे तो परोपकारी हो जाए, ये भावना सात्विक बढ़ते बढ़ते ये अनुभव कराती है कि कितनी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, यदि ईश्वरी कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार खड़ी है, पर देव प्रसन्न नहीं तो ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है, मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जहां ऐसी भावना आई, मैं काम करते हुए अकड़ता हो गया, करने वाला नहीं देखने वाला हो जाता है, यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है वह कर रहा है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरों को देखकर जलता है, जो फैक्ट्री में जाते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ कर फिरता है, कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने मुझे बड़ा सुंदर काम सौंपा है, कितना सुंदर समय बीतेगा, वो फिर कहने ही क्या, अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया कर्म, वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। यदि 70% जनता बदल जाए तो देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका व्यापारी, बिजनेसमैन, इनमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय ही नहीं है, सुबह उठने से रात 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते, बोरियों में भरा फेंक दिया, नहीं जानते कहां खर्च करें कैसे करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं रात शाम तक, इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है, जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। बस शाम को इतना पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 10 के 21 हो गए, यही आनंद है, वही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे अगर हम सोचें कि हमारे देश में जिनकी 25 से 30 हजार माहवार की आमदनी है वो सब प्रकार प्रसन्न हो, और पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए, पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे, किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3, उन बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, ये कर्जदार थे अब कर्जा चुका रहे, उनका जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन इनके लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया कि निराश ना हो, अगर इस रास्ते में बढ़ना चाहते हैं तो बड़े आराम से बढ़ा जा सकता है। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहाँ बही खाता लिखते हैं तो जब बही आए तो कहिए ओम, लिख डालिए, और जब लिख डालें तो कहिए ओम, इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है तो हाथ में कैश लीजिए, कहिए ओम, गिनिए,
इनके डालिए कहिए ओम, अगर हजार बार गिना तो 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसको इस बात का ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम हैं, बार बार करने पड़ते हैं तब भी काम बन सकता है, बहुत सुंदर। उसके बाद बाकी जो बिजनेसमैन है ऐसा तो होता नहीं, कि हर वक्त ग्राहक रहता हो, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, ईश्वर की याद में लग जाइए, आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। जब ग्राहक आ जाए तो भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए, और जब ग्राहक सेटिस्फाइड होकर चला जाए ईश्वर की याद में लग जाइए। बेपार बेकार गप्पों में अपने जीवन का लाभप्रद लाभदायक समय खराब ना करें, या काम कीजिए या ईश्वर की याद कीजिए, फिर ग्राहक आ जाए आप ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब जब खाली हो ईश्वर में परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक भोजन वहीं करते होंगे, वह समय तो ईश्वर को देना ही है, उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, 6 घंटे परमात्मा की याद, 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी दुनिया चल रही है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय बेकार खराब नहीं करना है। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, कल्याण का काम है, अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन का कारण है। कर्म किस भावना से किया जाता है बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने तो खराबी है, तब बंधन का कारण है, कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे ये सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास पैसा है, संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, इससे हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा उसे भी मिलेगा, भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण होगी। तो भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है वर्क इज वर्शिप, पर हर काम पूजा नहीं है। हर काम को पूजा में बदल सकते हैं, किस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है, और भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान कृष्ण जी के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था, चावल था उनके पास, उस जमाने में उसकी कीमत एक कौड़ी की भी नहीं रही होगी, लेकिन भावना थी। किस भावना से आप काम करते हैं बड़ी चीज है, वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, इस भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, तो सच्ची सेवा कर रहा है। और अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने, तो अलग बात हो जाती है। तो हमने ये देखा कि यदि दुकानदार चाहे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे, तो आसानी से 10 के 16 घंटे ईश्वर की याद कर सकता है। 6 घंटे ऐसे हैं जो परमात्मा की याद के नहीं हैं, क्योंकि उसमें वो अपने व्यवसाय का काम करता है। अब अगले तबके पर आए तो बुद्धिजीवी, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है। 7 घंटे से ज्यादा ड्यूटी आवर्स होते नहीं। इन 7 घंटे की ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का बड़े आराम से परमात्मा को दिया जा सकता है। जब भोजन आपके सामने आए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए,
उसकी याद में खाइए, उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बैठिए, आंख मीचिए, अपने इस देव की याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद जो काम करेंगे बड़ी सुंदरता से पूरा होगा, थकान महसूस नहीं होगी, काम की दक्षता बढ़ेगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले भी 15 मिनट चाय का, आधा घंटा ईश्वर को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। इस 7 घंटे में 1.5 घंटा बड़े आराम से परमात्मा की याद की जा सकती है। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम बना रहे। बहुत से दफ्तर ऐसे होते हैं जहां हमेशा काम बना रहता है, ऐसी जगहें होती हैं जहां हमेशा काम नहीं होता। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने इस मित्रों से बड़े प्यार से मिलिए, वो चुटकुला हो तो सुना दीजिए रीडर डाइजेस्ट का, ताकि सब खुश हो जाए। जब सब खुश हो जाए अपनी सीट पर आइए, काम कीजिए। काम खत्म तो आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। आंख खोलकर ईश्वर की याद करेंगे, काम आ जाए, बड़े आराम से काम को पूरा कीजिए। काम खत्म भगवान की याद कीजिए आंख खोलकर, किसी को पता ना लगे कि आप क्या कर रहे हैं। अपने आप को जाहिर ना करें, अगर आप जाहिर किया तो नहीं बनेगा। अगर आपने लोगों से कहना शुरू किया कि मैं आंख खोलकर भगवान के दफ्तर में ध्यान करता हूं, आपको दफ्तर में काम नहीं करने देंगे, कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, आपके तरह तरह के नाम रखेगा, कोई भक्त जी, कोई स्वामी जी, कुछ ना कुछ, आपको काम भी नहीं करने देंगे। बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाना है, छिपाकर अभ्यास करना है। और गलती से आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेंगे कि भाई दूसरा शो देखकर आया, रात को जागा है इसलिए उग रहा है। कोई नुकसान नहीं, कोई दोष नहीं। अगर पता चल जाए कि आप ऑफिस में बैठकर आंख खोलकर पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं या मनन करते हैं तो जरूर छेड़ेंगे, इसलिए छिपाकर अभ्यास करना है। अपने आप को छिपाकर अभ्यास कीजिए, इसका क्या लाभ है? धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है, आदत बन गई। जब काम खत्म हो परमात्मा की याद, काम आया बड़े प्यार से उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी सुंदर बात बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम हर चीज की कीमत आंकते हैं। क्या कपड़े की कीमत आंकते हैं, कितने रुपए मीटर? जमीन की कीमत आंकते हैं, कितने वर्ग मीटर? हर मकान की, हर दुकान की, गहनों की, कपड़ों की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है, हमारी कीमत क्या है कि हम नहीं जानते। कभी कोशिश भी नहीं करते कि हमारी कीमत क्या है। जब तक आंख खुली है तब तक कीमत है, आंख बंद कुछ हाथ में नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट कीमत हमारी आपकी है इस दुनिया के अंदर, सबके बीच में रह के हैं। कभी कोशिश भी नहीं करते कि अपनी कीमत आके हमारी कीमत क्या है, कभी नहीं आकते। इन संतों ने कहा कि जीवन बहुमूल्य है, जिंदगी का एक भी क्षण खराब ना करें, ये उनकी सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें, दुनिया का काम करें, एक साइंटिस्ट है उससे दुनिया का कल्याण होने वाला है। कोई नई चीज निकालेगा, नई चीज फील्ड में आएगी, लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब हम जिंदगी का समय बेकार करें, उसका हर क्षण इस्तेमाल करें या दुनिया का काम करें या ईश्वर की याद।
कोई भी छड़ खाली हो ईश्वर को दें, बेकार बर्बाद ना करें। जब काम हो तो पूरी लगन से काम करें, उसके बाद जो समय मिले उसे परमात्मा को दे दें। असल चीज भावना की है, हम किस भावना से काम करते हैं। अगर हम केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो कभी संतोष नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम देखते रहेंगे कि हमारा बॉस है, मैट्रिक पास है, 4,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, हम PhD पास है, हमें नौकरी मिली तो 500 रुपये की नौकरी मिली। ऐसी परिस्थिति दुनिया में बहुत है, 99 परिस्थिति ऐसी ही है। आदमी सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करता है तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा। जब तक निगाह इस पर है शांति नहीं है, नहीं मिल सकती। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए, ये समझिए कि ये काम भगवान ने मुझे सौंपा है, ये काम परमात्मा का है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। मेरे ऊपर जो मेरा बॉस है, चाहे वो इंटर हो चाहे मैट्रिक, परमात्मा ने उसे बैठाया है, उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, उसे अवसर उचित आदर देना मेरा कर्तव्य है। यदि इस भावना से आप काम करते हैं तो कब कहीं के कहीं आप पहुंच जाएंगे, कभी असंतोष नहीं होगा, मन में शांति रहेगी। पर यह बात जरूर है कि सत्य को प्रकट होने में समय लगता है। ऐसे लोगों की जीत होती है जो हर काम ईश्वर की याद का समझ के करते हैं, ऐसी भावना से करते हैं, अंत में वही जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसे अपने दिल में शांति है। सच्चा सुख कितनी बड़ी चीज है, साथ साथ ईश्वर में जीवन, परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है, ईश्वर जीवन है। धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है, एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा, उसका सच्चा आदर्श में लगा हुआ है और एक दिन उसे प्राप्त हो जाएगा जिंदगी का। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है, किस भावना से हम काम करते हैं उसे हर काम से बड़ा अंतर पड़ जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जितने बुद्धिजीवी हैं ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे या 8 घंटे काम करते होंगे, इससे ज्यादा तो होता नहीं। अगर 24 घंटे में से 8 घंटे काम के निकालें तो 16 घंटे परमात्मा की याद बड़े आराम से कर सकते हैं और दुनिया का काम आज तक वैसा का वैसा और सिंसियरिटी बढ़ती है, बड़े आराम से किया जा सकता है। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, जैसे काम आज आप कर रहे हैं वैसे ही चलता रहेगा। और एक भी मिनट परमात्मा की याद का ना भूलें, 16 घंटे क्या, सब काम ईश्वर की याद बनी रहे, यही हमारा लक्ष्य है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।